तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की दुनिया में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D के बारे में कि 3D रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, 3D वीडियो कैसे व्यूइंग होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है और उन्हें कैसे प्लेबैक किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3D का फुल नेम है 3 डायमेंशंस। तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल वीडियो और 3D वीडियो के बारे में। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो एक नॉर्मल वीडियो है। इसमें आप मैं कितनी दूर बैठा हूँ, मेरे पीछे जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी मुझसे दूरी कितनी है, मेरी हाइट, मेरा वेट और एवरीथिंग, आप किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 3D वीडियो में ऐसा नहीं है। 3D वीडियो में आप ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ महसूस कर सकते हैं, उसकी हाइट, वेट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी। जैसे कि अभी अगर ये 3D वीडियो होती तो आप मुझसे मेरे हाथ की दूरी को आसानी से जज कर सकते थे, मुझसे मेरा हाथ कितने दूर है, या मेरे हाथ की लंबाई, या मेरा हाथ किस एंगल में जा रहा है, ये आप आसानी से जज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 3D जो वीडियोस हैं वो TV और थिएटर दोनों में चलती है, मतलब आप दोनों में इसे इंजॉय कर सकते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी किया जाता होगा। तो ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। जैसा कि जब आपके फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक सिंपल और एक फ्लैट डायरेक्शन में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। जिस तरीके से एक फ़ोटो होती है उसी तरीके से वो एक वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है, एक सिंगल एरिया में, एक सिंगल लोकेशन से, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरफ ही रिकॉर्ड करता है। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में दो कैमरा सेटअप का यूज़ किया जाता है। ये कैमरे आपस में थोड़ा टिल्ट होते हैं, इनकी जो दूरी होती है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूर नहीं होती है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इन कैमरेज को यहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है। ये थोड़ा सा टिल्ट होकर रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि ऑब्जेक्ट को एक 3D व्यूइंग दी जा सके, ताकि उसका जो एंगल है वो दोनों साइड से रिकॉर्ड किया जा सके एक सराउंडिंग एरिया में, एंड पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग के बाद उसे ओवरलैप बाय रिकॉर्डिंग के जरिए उसे 3D व्यूइंग दे दी जाती है और यहाँ एक 3D वीडियो पूरी तरीके से रिकॉर्ड होकर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं कि 3D वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसे प्लेबैक कैसे किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इसे रिकॉर्ड किया जाता है इतनी मुश्किलों के साथ, वैसे ही इसे व्यू करना भी आसान नहीं होता है, इसमें भी बहुत सी तकनीक लगती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 3D प्लेबैक्स भी तीन अलग अलग तरीकों में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है एक्टिव 3D प्लेबैक, सेकेंड है पैसिव 3D प्लेबैक और थर्ड है ग्लासेस 3D प्लेबैक। तो चलिए अब तीनों 3D प्लेबैक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली 3D वीडियोस को प्लेबैक करने के लिए लेंसेज का सहारा लिया जाता है जो कि चश्मे के फॉर्मेट में होते हैं। तो नंबर वन है एक्टिव 3D प्लेबैक। ये जो है ये नॉर्मल TVs में यूज़ किया जाता है और ये TVs के लिए ही बनाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। इन ग्लासेस के अंदर बैटरी लगाई जाती है जिन्हें चार्ज करना पड़ता है और इन बैटरी के बेसिस पर ही ये ग्लासेस जो है काम करते हैं। तो अब ये काम कैसे करते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 3D रिकॉर्डिंग्स होती है वो 2 एरिया से टिल्ट होकर रिकॉर्डिंग की जाती है, वैसे ही जब इनका प्लेबैक होता है तो ये जो TV रहती है, LED जो सरफेस रहता है, LED जो रहती है, वो दो अलग अलग डिवाइड में उन दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। अब जब TV इन्हें दो साइड्स को अलग अलग दिखाती है तो ये जो ग्लासेस होते हैं ये भी उन दोनों साइड्स को अलग अलग लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को कवर करेगा और राइट साइड वाला जो एरिया है वो राइट साइड वाले को कवर करेगा। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो ग्लासेस होते हैं ये दोनों पर्सपेक्टिव्स को अलग अलग साइकिल करते हैं और बारी बारी से तेजी से एक दूसरे में साइकिल करते हैं, और ये साइकिल सिस्टम इतना तेज होता है कि आप इसे आसानी से जज नहीं कर पाते हैं। जहाँ TV में एक एलोमीटर लगा होता है, वैसे ही इन ग्लासेस में भी एक एलोमीटर लगा होता है जो कि रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को जो TV देती है, एंड जो बैटरी इन ग्लासेस में लगी होती है उनसे ऑपरेट करता है, और यही ग्लासेस एक 3D वीडियो प्लेबैक देते हैं और हम एक 3D वीडियो को इंजॉय कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव 3D प्लेबैक के बारे में। तो चलिए बात करते हैं ये क्या होती है। बेसिकली पैसिव 3D प्लेबैक ओनली थिएटर्स में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्मल TV में आप इन्हें नहीं देख सकते हैं, ये आपको नॉर्मल TV वगैरह में नहीं देखने को मिलेंगे। इन ग्लासेस में किसी भी तरीके का कोई बैटरी का यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही किसी तरीके का कोई सेल का यूज़ किया जाता है। इन ग्लासेस के अंदर आपको पोलराइज्ड ग्लास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जब वीडियो को स्टार्ट किया जाता है तो पीछे की साइड दो प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जो कि एक साथ डिस्प्ले पर वीडियो को शो करते हैं, जिसमें कि लेफ्ट एंड राइट दो साइड्स होती है। जब हम पोलराइज्ड ग्लास से देखते हैं ये दोनों अलग अलग साइड से पिक्चर्स को लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड लेफ्ट को लेता है और राइट साइड राइट को कैप्चर करता है
और बिना किसी ब्लिंकिंग के एक 3D वीडियो आपको दिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्लासेस फ्री 3D प्लेबैक के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ स्मार्टफोन की दुनिया में कुछ फोन्स जैसे कि HTC एंड LG ने अपने फोन के अंदर 3D रिकॉर्डिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद उसका जो प्लेबैक है वो तो एक नॉर्मल फोन की स्क्रीन पर ही होने वाला है, जिसके साइज की वजह से आप 3D को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे उन्होंने पोर्टेबल बनाने के लिए उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया जो कि ग्लासेस फ्री 3D था, जिसमें स्क्रीन में एक लेयर लगी होती थी जो कि राइट एंड लेफ्ट दो अलग अलग इमेज बनाता था, जिसमें हमारी राइट आई राइट साइड की इमेज को कैप्चर करती थी और लेफ्ट साइड की इमेज को कैप्चर करती थी, और ये उन पिक्चर्स को टिल्ट करके दिखाता था, जिसकी वजह से जो हमारा माइंड है वो राइट और लेफ्ट दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक सराउंडिंग सिस्टम वे में खुद में कैप्चर करता था, और ब्रेन ऑटोमेटिक एक पिक्चर कैप्चर कर लेता था जो कि हमें एक 3D वीडियो का अनुभव कराती थी। पर ये टेक्नोलॉजी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई और मार्केट में ज़्यादा नहीं फैल पाई, तो हमारी 3D की इस इंफॉर्मेशन वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी तरीके से काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँच सके, और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।